यूथ भुंजवा मेंबर वसुमाजी कारकुन अशोक वानी ने एसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनके सामने चंद बुनियादी व पुरानी मुतालबात रखे। यूथ क्लब की जो लिस्ट अपनी मनमर्जी से दी गई थी उसकी दोबारा से वेरिफिकेशन हो, हक वाले को उसका हक मिले। एयरटेल नेटवर्क का सिस्टम खराब है जिसका असर हमारे बच्चों की तालीम पर पड़ता है, उसको दुरुस्त करवाएं। ऑनलाइन क्लासेस यहां कामयाब नहीं है, यहां कम्युनिटी क्लासेस खोली जाएं। हमारी तमाम सड़कें जो जेर तामीर है उनको फास्ट ट्रैक पर तामीर लगाया जाए और नई दो सड़कें नाली से धनी पटन गीडसल और कोना मोड़ से अकवा ईदगाह तक जल शक्ति स्कीम के तहत पुरानी स्कीमों की मरम्मत और घर घर पानी दिया जाए। पुराने लकड़ी के बोसीदा खम्भों को तब्दील कराकर और घर घर बिजली फराहम कराएं। बादल फटने से नुकसान का लोगों को मुआवजा दे और पुलों का काम जल्द अज जल्द लगाएं। रोड में आई जमीनों का मुआवजा दे। हमारी हेल्थ सिस्टम में बिल्डिंग की और स्टाफ की कमी को पूरा करें। बीडीसी ऑफिस को पूरे स्टाफ के साथ भुंजवा में फंक्शनिंग कराएं और हर मुलाजमीन और सरपंच हजरात खुश असलूबी और जिम्मेदारी से अपना काम को पूरा करने का मुतालबा रखें। रोड से सर हाँ ये जहाना रोड से सर जर जर जनाव से लेकिन एक नाम जो है नाली दहनी पटन गिंडसुल सर नाव से नोट, दूसरा नाम पुणा मोड़ से लेकर एक गुजर बस्ती वहाँ रही है इकवा के अंदर फाटू में से वो इकवा ईदगाह के लिए रोड होनी चाहिए सर, दोनों नाम सर नोट। नाली दहनी दहनी पटन सर नाली दहनी पटन सर गिंडसुल से जी सर इसी नाम सर वो पुणा मोड़ से सर पुणा मोड़ से इकवा के लिए पुणा मोड़ से इकवा के लिए फाटू के बीच में सर वो जानी चाहिए। मैं एसीआर साहब का तहदिल से शुक्रगुजार हूं कि जो आज वो किश्तवाड़ से आए उनका ये तीसरा दौरा रहा और इसमें उन्होंने देवीगोल जाके लोगों का जमीनों का जो मुआवजा दिया और वहां से आकर यहां एक मीटिंग जो ली, इसमें हमारे ऑफिसर हजरात भी हैं, हमारे सरपंच हजरात भी हैं, हमारे आम आदमी भी और बांजवा के जयशोर व बागोर आवाम भी है। सर मैं पहली बार आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इलाके में नेटवर्क की सख्त प्रॉब्लम है जिसका असर यहां की तालीम पे पड़ता है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हमारे बच्चों ने कोई भी एक हरफ भी उन्होंने नहीं पढ़ा है। एक तो नेटवर्क की कमजोरी की वजह से, दूसरा जो यहाँ ऑनलाइन क्लासे हैं उनकी वजह से। मैं जनाबे वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि कम से कम हमारे इन दो नेटवर्क किसका है सर? एयरटेल नेटवर्क बिल्कुल खत्म है सर, कोई बात सुनाई नहीं, जियो थोड़ा फिर भी चलता है। कम से कम हमारे इलाके में कम्युनिटी क्लासेज जो है खोली जाए, देहाती इलाके हैं सर, बुनियाद ही तालीम से है। यहाँ हक तलीफियाँ इसीलिए होती है कि हमारे इलाके में तालीम नहीं है सर। इसके साथ साथ हमारा छोटा सा इशू यहाँ मिडल स्कूल नाली का है। कई बार मैं उसकी दरख्वास्तें कर चुका हूँ, डीओ साहब की नॉलेज में है, सीओ साहब की नॉलेज में है, बिल्डिंग जो है दीवारों तक बनी हुई है, उसके बाद हमें ये वजह मालूम नहीं है कि आया किस वजह के बिना से वो बिल्डिंग जो है। और आज की डेट में मैं कहता हूं सरपंच हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा आज के बाद किसी भी को भी कोई शिकायत नहीं होगा। हाँ एक चीज जरूर है, लोग भी यहाँ ठीक नहीं है, मुलाजिम को कॉपरेट नहीं होता है यहाँ, जो कुछ होना चाहिए मुलाजिम को कॉपरेशन जिस तरीके से मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। लोगों को भी सुधरने की जरूरत है, लोगों को भी सुधरना होगा, मुलाजिम को कॉपरेट करना होगा अगर बांजवा की तरक्की तरक्की पे जाना है। यहाँ बांजवा की ये जो सियासत बनी है वो लेग पुलिंग की सियासत बनी है, हम एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, हम सरपंच बन गए हैं, किसी की जरूरत है 5 साल हमें इस ओहदे से उतारने की? किसी की जरूरत नहीं है, कोई हमको नहीं उतार सकता है। आप लोगों ने हमको ताकत दी है, अब हमसे ये ताकत 5 साल कोई नहीं छीन सकता है। आप लोगों का फर्ज बनता है हमारा गरीबा चुप सुनो टेक्निकल जैसे कोई जेई है कोई अंडरस्टैंडिंग करके है लड़की, कोई आईटीआई डिप्लोमा होल्डर है,
फर्स्ट कैटेगरी का ही है, कोई सारे जितने भी इंजीनियर हैं या स्टाफ जस्टिस, उसके बाद दूसरा ट्वेल्थ से ऊपर क्या यहाँ पे पंचायती में 50-50 ग्रेजुएट है जी सर, ट्वेल्थ वाले को अगर हम रखते हैं ग्रेजुएट को छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको पच्चीस से देखो मुझे जिसमें कोई आता है।